बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा। 14 या 16 अगस्त को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। आरजेडी कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम है तेज प्रताप यादव, कुमार सर्वजीत, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आलोक कुमार मेहता। वही जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा और लेसी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस कोटे से मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, शकील अहमद खान, राजेश कुमार राम को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई। 14 या 16 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की ये खबर है और संभावित मंत्रियों के नाम भी हमने आपको बताए। वही आज जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनेंगे। वो दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले सोमवार को वेंकैया नायडू को विदाई दी गई। इस दौरान फेयरवेल स्पीच देते हुए वो भावुक हो गए। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने थे। और आज की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। तो आज की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेंकैया नायडू की विदाई हो चुकी है और उनकी जगह अब जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। दोपहर 12:20 पर शपथ ग्रहण का ये समारोह होगा, जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी को लड़ाकों की तलाश है और इसके लिए वैगनर ग्रुप ने रूस के कई शहरों में लड़ाकों की भर्ती के लिए होर्डिंग्स भी लगवाई, क्योंकि माना जा रहा है कि पुतिन की भाड़े की आर्मी में लड़ाकों की भारी कमी हो गई है। इसलिए अब उसने रूस के अलग अलग शहरों से लड़ाकों की भर्ती के लिए पोस्टर लगवाए हैं, ताकि जल्द से जल्द लड़कों की भर्ती कर यूक्रेन की फौज से लोहा लेने के लिए भेजा जा सके। असल में रूस हमेशा से भाड़े के लड़ाकों की फौज से इनकार करता रहा है, लेकिन अब जब उसके कई शहरों में वैगनर ग्रुप ने लड़ाकों की भर्ती के लिए पोस्टर लगवा दिए, तो भाड़े के सैनिकों के होने की बात सामने आ गई। दावा है कि अब वैगनर ग्रुप रूस में खुले तौर पर अपनी फौज के लिए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। खबर है कि यूक्रेन में जंग लड़ने के दौरान वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके सैकड़ों लड़ाकों की मौत हुई है, और इसीलिए अब वो दोबारा लड़कों की भर्ती पर जोर दे रहा है, ताकि यूक्रेन में उन्हें जंग लड़ने के लिए भेज सके। दावा है कि रूस के कुछ शहरों में तो जुलाई की शुरुआत में ही लड़ाकों की भर्ती के लिए पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वैगनर ग्रुप अपनी फौज में तब उतने लड़कों की भर्ती नहीं कर पाया जितने की उसे जरूरत थी, और इसीलिए वो अब भी पोस्टर लगाकर भर्ती कर रहा है। एक तरफ जहां पुतिन की आर्मी यूक्रेन की सेना पर हमले कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी जेलेंस्की की फौज पर कहर बरपा रहे हैं, लेकिन जंग लंबी खिंचने की वजह से रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस जंग में अब तक अपने करीब 75,000 सैनिकों को खो चुका है, और दावा है कि इसीलिए अब रूसी सेना अपने यहां जेलों में बंद खतरनाक कैदियों को भी लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रही है। खबर है कि रूस ने जेलों में बंद कैदियों को ऑफर दिया है कि जंग में जाओ और जेल से आजादी पाओ, और इसी का फायदा उठाने के लिए रूस के जेलों में बंद खूंखार कैदी जंग लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। दावा है कि रूस के इस प्लान का पर्दाफाश कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ, मतलब ये कि अब रूस की तरफ से उसके कैदी भी यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दावा है कि हजारों कैदियों को रूस ने जेलों से निकालकर यूक्रेन की जंग में झोंक दिया है। बताया गया कि जिन कैदियों को रूस ने छोड़ा है उनमें कई हत्यारे और ड्रग्स लेने वाले कैदी भी शामिल हैं। खबर है कि रूस कैदियों को जेल से छोड़कर उन्हें आजाद तो कर ही रहा है, साथ ही जंग लड़ने के लिए वो उन्हें मोटी रकम भी दे रहा है। बताया गया कि जेल से निकलने वाले कैदियों को 15 दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। इधर बिहार में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी ने धरना दिया। पटना में शाहनवाज हुसैन समेत कई बीजेपी नेता धरने पर बैठे और नई सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई। एनसीपी नेता शरद पवार ने बिहार में नीतीश और तेजस्वी की नई सरकार को शपथ लेने के बाद बधाई दी।
नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। कल कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां उसकी जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। कल कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है श्रीकांत त्यागी। उधर रूस ने ईरान के एक सैटेलाइट को लॉन्च कर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की धड़कनें बढ़ा दी। ईरान के सैटेलाइट को रूस ने मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान से अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। लेकिन खबर है कि ईरान के इस सैटेलाइट ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन ने सैटेलाइट के बहाने ऐसा दांव चला जो आने वाले दिनों में उनके विरोधियों पर भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि इस सैटेलाइट के जरिए रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की निगरानी और अच्छे तरीके